Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS, and in the class of UPSC CSAT today we will discuss clock. Clock easy topic है, daily life से related topic है. Exam के अंदर एक question तो clock पे से आ ही जाता है, तो इसलिए आज के class के अंदर clock से related कुछ important questions मैं आप लोगों के साथ discuss करने वाली हूँ. Easy से start करेंगे ताकि अगर कुछ students ने clock का concept नहीं भी किया हुआ तो ईजी से स्टार्ट करूंगी, सो दैट के कंसेप्ट भी आपका साथ साथ क्लियर होता चला जाए. ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. जल्दी से सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिस भी ग्रुप के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तो सभी शेयर कर देंगे. ओके, तो अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या. एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन मॉर्निंग. मॉर्निंग के 8 बजे हैं, 8 बजे हैं, दैट मीन्स वट कि जो अपने पास में आर हैंड होगा, वो कहाँ पे होगा, 8 पे होगा. आर हैंड हमारे पास में कहाँ पे होगा बेटा, 8 पे होगा, और आपका मिनट हैंड किस पे होगा, 12 पे होगा. ओके, ये हो गया हमारे पास आर हैंड, डन, और ये हो गया आपका मिनट हैंड. क्लियर, क्या है क्वेश्चन, थ्रू हाउ मैनी डिग्रीज will the hour hand rotate when the clock shows 2 o'clock in the afternoon. कह रहा है कि अगर 8 बजे हैं, उसके बाद में जब 2 बजेंगे तो बताओ hour hand कितना एंगल, से रोटेट होगा. ओके, दैट मीन्स वट कि जो हमारा hour hand है, जैसे ही 2 बजे तो उस केस के अंदर ये मूव करेगा बेटा, मूव करेगा, और यहां से कहां पे पहुंच गया, हां जी 2 बजे ये पहुंच गया हमारा यहां. ओके, यहां पे पहुंच गया. अब यहां पे देखिए, जब ये यहां पे पहुंच गया, मिनट हैंड तो यहीं पे रहेगा, तो एंगल कितना बना. हाँ जी, वैसे तो डायरेक्टली आंसर आएगा आपका, क्योंकि मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहां से हमें 180 डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि 180 आंसर आ गया. बट हर बार ऐसे ड्रॉ तो नहीं करा जाता ना एग्जाम के अंदर, आप हर बार ऐसे ड्रॉ करने के तो नहीं देख पाओगे, और एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं मिलती हमें ड्रॉ करने से, इसलिए कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. देखो बेटा, अगर मैं आर हैंड की बात करूं, आर हैंड दैट मीन्स कि अगर मान लो हम यहां से लेके यहां तक जाते हैं तो 12 घंटे हो गए, 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बनता है. देखो यहां से ऐसे घूम के जब ऐसे गया तो कितना हो गया, 360 डिग्री का एंगल बन गया. दैट मीन्स कि 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का. ये आपको सॉल्व नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए, या अगर पॉइंट्स आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लो. 1 घंटे के अंदर आर हैंड 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहां पर कितने घंटे हो गए, 8 बजे से लेके 2 बजे तक, दैट मीन्स कि 4 और 2 6 घंटे हो गए, तो 6 आवर्स के अंदर कितना एंगल बनेगा, 6 × 30 180 डिग्री. क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. सी सेट के अंदर लेवल इजी रहता है क्वेश्चंस का, बट इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं आपको, बट एंगल्स का तो बेटा पता होना चाहिए. ओके, तो आर हैंड आई होप सभी को क्लियर हो गया कि अगर हमें पर्टिकुलर एक टाइम गिवन है और उससे हमारा दूसरी तरफ मूव कर रहा है हमारा आर हैंड, किसी दूसरे टाइम तक हम जब जाते हैं तो आर हैंड कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून. नून दैट मींस कि 12 बजे, मींस आर हैंड और मिनट हैंड दोनों कौन साइड है, दोनों इकट्ठे हैं. ओके, बाय 10 minutes past 5 द आर हैंड हैज टर्न थ्रू. आर हैंड कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा ये आपको बताना है. ओके, अब देखिए ये हमारी क्लॉक है. अब इस क्लॉक के अंदर क्या कह रहा है, दोनों के दोनों कौन साइड है, अब उसने क्या कहा है, 5 बज के 10 मिनट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा. 5 बज के 10 मिनट की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया बेटा 1 मिनट, 12, 3, 6 एंड 9, 1, 2, दिस इज 4, 5, 7, 8 एंड दिस इज 10, 11. ओके, क्या टाइम है, 5 बज के 10 मिनट हुए, 5 बज के 10 मिनट हुए हैं, दैट मीन्स कि यहां से दोनों के दोनों मेरी जो आर हैंड और मिनट हैंड दोनों मूव करेंगे, तो आर हैंड कहां पहुंच गया, यहां पे 5 से थोड़ा सा आगे पहुंच गया. ठीक है, और मिनट हैंड कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना बनेगा.
ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बट यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि हाँ जी कितना एंगल बनेगा, उसने यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भी आर हैंड यहां से लेके यहां तक जब मूव करेगा तो ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी करवाऊंगी मैं आप लोगों को, ओके। तो अब देखो पांच बज के दस मिनट मिनट को हम क्या करेंगे, आर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। आर के अंदर जब आप कन्वर्ट कर लोगे तो कितना आ गया, 31/6 आर। और अभी हमने किया था कि आर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है, एक घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके। दैट मींस कि अपने पास में एक घंटे के अंदर एंगल कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 30 डिग्री का। दैट मींस कि 31/6 आर के अंदर कितना एंगल बनेगा, डिवाइडेड बाई, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, दिस विल बी 155 डिग्री, ओके। सो जिनका भी 155 आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट है, साथ साथ में सॉल्व करते चलना है सभी ने, बिल्कुल क्लियर, सिंपल था, बिल्कुल आराम आराम से बता रही, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्लॉक का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन टाइम इज 7:30। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आ गया अब हमारे पास में कि टाइम गिवन है हमारे पास 7:30, तो बताओ एंगल कितना। तीन तरीके से करवाऊंगी, सभी ने ध्यान से समझना। सबसे पहला मैंने क्लॉक ड्रॉ करी यहां पे, क्या टाइम का है बेटा, 7:30। दैट मींस कि जो आर हैंड है वो यहां पे होगा और मिनट हैंड आपका यहां पे होगा, ठीक है। 7:30 पे यही होता है, दिस इज आर हैंड एंड मिनट हैंड। अब ये मत कहना कि हाँ जी दोनों इक्वल साइज के आपने ड्रॉ कर दिए, ओके। तो अब यहां पे देखिए बेटा एंगल, एक तो डायरेक्टली हमें पता चल रहा है इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है, दो जो नंबर से नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और अब ये बीच में है तो 30 डिग्री तो ये हो गया बेटा, ठीक है, और 15 डिग्री ये हो गया, दैट मींस कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ओके। सो आंसर क्या आ गया मेरे पास, सीधा 45 डिग्री आ गया, ओके। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड अभी मैंने आपको बताया कि भाई हमें अगर ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी पर्टिकुलर हैंड, आर हैंड और मिनट हैंड किसी भी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसके लिए हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाई यहां से स्टार्टिंग का टाइम से लें और मैं कहूं कि आर हैंड ने कितना डिग्री कवर किया है और मिनट हैंड ने कितना डिग्री कवर किया है, दोनों को माइनस कर दें तो भी आंसर आ जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं आर हैंड की बात करूं तो टाइम कितना है, 7:30 है, 7:30 का टाइम है, दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं इसको आर में कन्वर्ट करने की तो 15/2 आ रहा, ठीक है। कितना एंगल बनाएगा, एंगल आर हैंड का कितना बनेगा, इनटू 30, दैट मीन्स कि 255 डिग्री का एंगल बनाया आर हैंड ने कितना बनाया, ओके। अब बात आती है कि मिनट हैंड, अब अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 60 मिनट्स के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का। दैट मींस कि कितना हो गया फिर अपने पास में, हाँ जी 30/6, दैट मींस कि 180 डिग्री, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास में, 180 डिग्री माइनस 225 में से माइनस करेंगे बेटा, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है। 225 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, क्लियर। जो माइंड में आता वो वाला आप मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, बट ध्यान रखना ये मेथड कम से कम यूज करना, बिकॉज जब हम ड्रॉ करते हैं ना तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ नहीं हो पाता है, ओके। अगर हम थर्ड मेथड की बात करें, थर्ड मेथड मोस्ट इजीएस्ट मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूं, तो क्या है आपका कि अगर आप कोई एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो तो एंगल की वैल्यू क्या होती है बेटा, 11/2 मिनट माइनस 30 आर, ओके। अब देखिए यहां पे जब आप एंगल देखोगे तो एंगल यहां पे कितना बन रहा है, मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना एंगल है यही बताना है ना हमने, तो यहां पे देखिए मिनट कितनी है 30, आर कितना आपके पास में 7, कितना आ गया बेटा 15 से,
165 माइनस 210 माइनस 45 डिग्री। ओके, माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना, उसका कंसेप्ट भी आ गया है अगले क्वेश्चन के अंदर। अभी हमारे पास में क्या आ गया, 45 डिग्री। ओके, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना आपका, 45 डिग्री। कोई इसमें डाउट, तीनों मेथड बता दिए, फॉर्मूला नोट डाउन कर लो सभी, फॉर्मूला सभी नोट डाउन कर लेंगे अभी के अभी। अभी माइनस प्लस में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार एक पॉइंट बताती हूँ। देखो ये वाला जो एंगल बना है ना बेटा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल है, दिस इज 45 डिग्री। अब यहाँ पे आपका ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर मैं बताऊंगी कि हाँ जी प्लस का क्या मीनिंग है और माइनस का क्या मीनिंग है। अगर हम मान लो यहां से अपने पास में क्वेश्चन के अंदर ही आ जाता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल बताओ, यहीं पे अपने पास क्वेश्चन आ जाता कि हाँ जी रिफ्लेक्स एंगल बताना है, तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है जो 180 डिग्री से बड़ा है। तो दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल ये बन रहे हैं इन दोनों के बीच में, और दूसरा एंगल ये भी तो एक एंगल ही है, एंगल ही है। तो दूसरे वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर यहीं पे अपने पास क्वेश्चन हो जाता है कि भाई रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करो, रिफ्लेक्स एंगल क्वेश्चन, फिर कैसे करते हैं आप, हाँ जी फिर कैसे करते हैं हम, इसके अंदर से 360 के अंदर से बेटा उसको माइनस कर देते हैं 45 को। क्लियर, हाँ जी, कोई इसके अंदर अब डाउट आ रहा तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आंसर आ जाता है आपके पास में 315 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फॉर्मूला सभी नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये सबसे इजी है। देखो जस्ट आपने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर रही है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन 325। हाँ जी जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी से करो कैलकुलेट, 325। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या है 11/2 मिनट माइनस 30h। ओके, जल्दी से पुट करेंगे सभी, मिनट 25 माइनस 30 इंटू एच इज इक्वल टू 3। अभी का कितना आ जाएगा, करो, दिस विल बी 47:1/2 डिग्री। ओके, 0.5, दैट मींस कि 1/2 डिग्री हो गया बेटा। करो मैं एक बार सोल्व करके बता देती हूँ, दिस विल बी 137.5 माइनस 90। ओके, कितना हो गया 47.5, और यू कैन से 47:1/2 डिग्री। क्लियर, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल इन वन मिनट बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ क्लॉक। यस, गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, आर हैंड और मिनट हैंड। अब आर हैंड एक घंटे के अंदर कितना एंगल बनाता है, सभी को पता है, अभी हमने किया था, आर हैंड एक घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। हाँ जी जल्दी से बताओ, यहां पे क्या है, आर हैंड है ना, व्हाट इज द एंगल ऑफ वन मिनट बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो आर हैंड है वो एक घंटे के अंदर बेटा 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल। That means कि आर हैंड एक मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर हम एक मिनट की बात करें तो एक मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, एक घंटे के अंदर बनाता है 30 डिग्री का एंगल। तो एक मिनट, एक मिनट means what? Divided by 60, 1/2 डिग्री, और यू कैन से हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, मिनट हैंड एक मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, अभी हमने किया 6 डिग्री का। अब यहां पे क्वेश्चन ये नहीं है कि हाँ जी मिनट हैंड कितना एंगल बना रहा है आर हैंड, क्वेश्चन ये कि दोनों के बीच में कितना एंगल है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। दैट मींस कि हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंस 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री, दैट मींस कि 5.5 डिग्री। ओके, सो योर आंसर विल बी 5.5 डिग्री, पॉइंट में है तो पॉइंट में आ जाए, आप आंसर कर दोगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में फ्रैक्शन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 टू 5 ओ क्लॉक
विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक बी राइट एंगल, राइट एंगल करेक्ट, जो 4 से 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में दोनों हैंड्स राइट एंगल कब होंगे, 4 से 5 बजे के बीच में कह रहे हैं। दैट मीन्स वट कि यहां पे आपके पास में 4 और 5 बजे के बीच में, मीन्स यहां पे कहीं कह रहे हैं। अगर मैं कहूं कि 4 से 5 बजे के बीच में आर हैंड यहां पे है, तो मिनट हैंड ऐसा भी तो हो सकता है कि भी जो मिनट हैंड है वो यहां पे हो। देखो 4 से 5 बजे, 4 बजे, 4 बजे के बाद मिनट हैंड घूमता गया। दिस इज मिनट हैंड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ओके, ये मिनट हैंड है, ये आर हैंड है। कितने डिग्री का एंगल बना लिया उसने, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। कितने डिग्री का एंगल हो गया इसके अंदर, 90 डिग्री का एंगल हो गया। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये मिनट हैंड घूमता गया, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास में जो एंगल बन रहा है, एक तो एंगल यहां पे बनेगा, एक जो दूसरा एंगल है वो यहां पे भी कहीं पे बन सकता है, तब भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। दैट मींस कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम पे दो बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दो बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये वाला पॉइंट समझ आ गया तो आई थिंक क्लियर है। देखो यहां से इसको क्रॉस करने के बिना, आर हैंड को क्रॉस नहीं किया, मिनट हैंड ने ऐसे चलती आ रही है, तो यहां पे कहीं पे 90 डिग्री का एक एंगल बनेगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई इसने इस आर हैंड को क्रॉस कर लिया मिनट हैंड ने, और आगे आगे चल रहा है, और फिर दोबारा से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दैट मीन्स वट कि भाई दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। जब दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं तो आपके पास में दोनों ऑप्शंस में हो सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके ऑप्शन में कौन सा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। तो इसके लिए भी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि अगर आपके पास में थीटा फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे तो थीटा गिवन है, आपके पास में एंगल गिवन है, एंगल क्या गिवन है, राइट एंगल, राइट एंगल। दैट मीन्स कि वो कह रहा है कि भाई 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगा, ठीक है। तो हम अगर मान लो मैं बात करूं कि भाई क्या होता है हमारे पास, एंगल इज इक्वल टू क्या, 11/2, मिनट -30 है, ये कि ये है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे अगर आपके क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि आर हैंड ने इसको क्रॉस कर लिया, आर हैंड ने इसको क्रॉस कर लिया, तो उस केस के अंदर बेटा फॉर्मूला लगेगा ये वाला अपना, ठीक है। कब, जब उसने क्रॉस कर लिया, मीन्स ये वाला एंगल आएगा, ठीक है। हम कहते हैं कि आर हैंड ने क्रॉस नहीं किया तो जो एंगल बनेगा उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, 5 मिनट 7 मिनट 7 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे दैट मीन्स वट कि पहले क्रॉस करने से पहले का टाइम आपने बताना, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा, ये बात, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, जल्दी से लगाओ। फिर यहाँ पे है 11/2 मिनट, अब क्या कहा है उसने, 4 से 5 बजे के बीच में, दैट मींस कि 4 बज के कुछ मिनट्स, दैट मींस कि आर तो मुझे पता है, मिनट मुझे नहीं पता, तो मिनट के लिए तो हम क्या लिखेंगे, एम, ठीक है, प्लस 30 इंटू जो भी आपके पास में टाइम गिवन है इज इक्वल टू जो एंगल गिवन है। क्लियर, कितना आ गया, 11/2 मिनट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में, हाँ जी, आर हैंड 90 डिग्री का एंगल दे गिवन है, टाइम कितना गिवन है आपके पास में, 4 to 5 o'clock, तो ये 4 हो गया, 90 minus 120, मिनट इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 60/11, प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी, पॉइंट क्लियर है। ये जस्ट ये डिनोट करता है कि हाँ जी जो अपने पास में टाइम है दैट इज बिफोर क्रॉसिंग द आर हैंड और आफ्टर क्रॉसिंग द आर हैंड। ओके, सो दिस विल बी, ये हो गया 11/5 55 5/11, मींस व्हाट, मींस व्हाट, किस टाइम पे एंगल 90 डिग्री का होगा, 5 to 5/11 पास्ट 4, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये मैंने काफी डिटेल में आपको बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप सभी कर लेंगे खुद से, देखते हैं क्या क्वेश्चन। चलो बताओ, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 आर द एंगल 45 डिग्री। अब 45 डिग्री, तो जब भी यहां पे भी सेम ही कंसेप्ट होगा, 7 to 8 के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा,
कब बनेगा? दो बार बनेगा, एक बार जब मिनट हैंड ने आर हैंड को क्रॉस नहीं किया है, एक बार कब? उसको क्रॉस करने के बाद में। डन, जल्दी से आंसर बताएंगे। शाबाश, ये क्वेश्चन तो मैं करा भी चुकी हूं आपको। 45 डिग्री का एंगल, सभी आंसर करेंगे जल्दी से। अभी मैंने फॉर्मूला दिया आप लोगों को, क्या थीटा इज इक्वल टू क्या है अपने पास में? हाँ जी, 11/2 मिनट माइनस 30h। अब यहां पे हमने क्रॉस करने से पहले का फाइंड आउट करना है, तो इसी यहां पे क्या करेंगे, प्लस 30h इज इक्वल टू जो भी आपके पास में एंगल की मिनट हमें फाइंड आउट करना है, h हमारे पास है, इसकी जगह पे क्या यूज कर लोगे आप? 7। जल्दी से आंसर करेंगे। सो आई होप सभी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आंसर बताऊं एक बार, आंसर आ जाएगा बेटा इसका, 730 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, 730 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर। हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम 4 PM टू 7 PM? परपेंडिकुलर मींस बेटा 90 डिग्री का एंगल कह रहा है कि कितनी बार बनेगा। अब हमने यहाँ पे लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो उसके अंदर भी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर टाइम है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास में दो बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक बार क्रॉस करने से पहले, एक बार क्रॉस करने के बाद में। ओके, दैट मींस कि एक घंटे के अंदर हमें यहां से क्या पता चला कि भी एक घंटे के अंदर दो बारी 90 डिग्री का एंगल बनता है, दो बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो यहां पे उसने क्या कहा है कि 4 to 7 आपको बताना है। तो 4 to 7 अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? तो 90 डिग्री का एंगल देखेंगे हम यहां पे 4 to 7, 4 to 5 टू टाइम्स, 5 to 6 टू टाइम्स, उसके बाद में 6 to 7 टू टाइम्स। ओके, तो कितनी बार बना? 6 बार। आंसर विल बी ऑप्शन डी। बट यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के अंदर जो आ जाता है कि यहां पे अगर मैं बात करूं कि एक घंटे के अंदर दो बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, बट अगर हम यहां पे इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट अगर हम 12 आवर्स की बात करें तो बेटा 22 टाइम्स बनता है, ठीक है, और 24 आवर्स की बात करें तो 44 टाइम्स बनता है। सेम वे 0 डिग्री का एंगल एक घंटे के अंदर एक बार, 12 घंटे के अंदर 11 बारी, और 24 आवर्स के अंदर 22 टाइम्स। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें कि कौन साइड हो रही है या 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो भी 1 आवर के अंदर 1 टाइम, 12 आवर के अंदर 11 टाइम्स, एंड इन 24 आवर दिस विल बी 22 टाइम्स। अब यहाँ पे मैं रीजन बताती हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी के सभी नोट डाउन करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा तो चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो, जब मैं बात करती हूँ बेटा 0 डिग्री की, दिस इज अवर क्लॉक। अब यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? जब दोनों की दोनों आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के ऊपर, दैट मीन्स कि जी 12 बज गया, ठीक है ना, 12 बजे अपने पास में ये। इसी तरह से एक घंटे के अंदर ये एक बार, जैसे कि यहां से इसने मूव किया, इसने भी मूव किया, तो उस केस के अंदर बेटा एक बारी वो करेगी। बट यहां पे ये देखो कि जब 12 बजेंगे, मान लो 11 बज गए, 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल हम ये देखेंगे कि भाई दो बार उसको कॉन्साइड करना चाहिए, बट 11 से 12 के बीच में भी 12 बजे कॉन्साइड करेंगी, और 12 से 1 के बीच में भी 12 बजे ही कॉन्साइड करेंगी, ठीक है। दैट मींस कि यहां पे दो बारी की बजाय एक बार कॉन्साइड करेंगे, ठीक है, इन टू आवर्स 11 to 1। तो अगर आपके पास में टाइम गिवन है तो उस केस में ध्यान रखेंगे कि अगर बीच में हमारे पास में ये वाला टाइम आ गया तो आपने ध्यान रखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास में, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल विल कॉन्साइड ईच अदर फ्रॉम 4 to 7, अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 to 7, 3 टाइम्स आप आंसर कर दोगे। बट अगर यहीं पे अपने पास में टाइम है 10 to 10 PM,
2 AM, फिर क्या करेंगे? फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई 10 से 11, 12 और 1, ऐसे भाई 10 से 11 बजे के बीच में एक बार, ठीक है, और 11 से 1 बजे के बीच में भी एक बार ही कोइंसाइड करेगी, दो बार कोइंसाइड करने के बजाय। तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। यहां पे सेम वे अगर मान लो मैं बात करती हूं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर के अंदर भी ध्यान रखना है कि जब आपके पास में टाइम, जब आपके पास में टाइम होता है 2 से 4, तो 2 से 4 टू टाइम्स करना चाहिए आपके पास में, 2-2 टाइम्स करना चाहिए। बट यहां पे जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो कैसे बनेगा आपका? 3 o'clock, अगर हम 3 o'clock करें तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, यहां से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कब बनेगा? 3 o'clock पे। तो 2 to 4 जहां पे उसको 4 टाइम्स कोइंसाइड करना, सॉरी 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, वहां पे कितनी बार बनेगा बेटा? 3 टाइम्स बनेगा। ओके, सेम वे अगर मैं बात करती हूँ 9 बजे की, तो 9 बजे में भी ऐसा ही है, 9 बजे के अंदर भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, हाँ जी, यहाँ पे ध्यान दो, 9 बजे भी क्या होगा कि 9 बजे यहाँ पे टाइम क्या है? 2 to 4, 2 to 4 के बीच में 3 बार 4 बार की बजाय। सेम वे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ जी, 8 से 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा आपका? हाँ जी, 8 से 10 के बीच में है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? 4 बार के बजाय 2-3 बार। ओके, सो क्या आ जाएगा आपके पास में? 12 घंटे के अंदर 22 टाइम्स, ओके, एंड 24 आवर्स के अंदर कितना हो गया आपके पास? 44 टाइम्स। डन। सेम वे 180 डिग्री के अंदर कौन सा टाइम है? 6 बजे का, उसको भी ध्यान रखना। 180 डिग्री जब आर हैंड यहां पे है और अपने पास में मिनट हैंड यहां पे है, तो 6 बजे ये जो टाइम है आपका कौन सा? 5 से लेके 7 बजे के बीच का, तो उसके अंदर 2 बार की बजे 1 बार। ओके, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा जो थ्योरेटिकल क्लासेस हैं उसके अंदर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, तो अभी हमारा कंसेप्चुअल क्लास है नहीं इस क्लास के अंदर, तो सिर्फ वैसे तो एमसीक्यूज ही हम डिस्कस करते, बट इसके बिना फिर एमसीक्यू भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगाया। डिटेल के अंदर जो कंसेप्चुअल क्लास है उसके अंदर बड़ा डिटेल में समझाया हुआ है इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर 4 to 10 PM। अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम पे, 4 to 10 PM, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है कि एक घंटे के अंदर 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होता है। तो 4 to 5 2 बार 5 to 6 2 बार, 6 से 7 2 बार, ठीक है, 7 से 8 अपने पास में 2 बार, बट 8 से लेके 10 बजे के बीच में कितना होना चाहिए? 2-2 होना चाहिए, बट होता क्या है? 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? 11 टाइम्स। ये काफी कंफ्यूजन होते काफी स्टूडेंट्स को कि हाँ जी 11 क्यों आ गया, 12 क्यों नहीं आंसर आया। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल विल बी अपोजिट टू ईच अदर फ्रॉम 4 PM to 8 PM नेक्स्ट डे। अब अपोजिट कह रहा, अपोजिट दैट मींस कि 180 डिग्री के एंगल की बात हो रही है, ठीक है। अब 180 डिग्री में भी ध्यान रखना है बेटा क्या, 6 बजे 5 और 7 के बीच में है ना, एक बार ही 180 डिग्री का एंगल बनेगा ना। तो यहां पर देखो अपने पास में टाइम क्या है, 4 PM to 8 PM, 4 to 4 PM, 24 hours, क्लियर, और 4 के बाद में 5, 6, 7 and 8, यही गिवन है। बताओ कितनी बार मिलेगा? अगर समझ आ गया तो आंसर आ जाएगा, शाबाश। 180 डिग्री अपोजिट का है, इसने अपोजिट का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? 180 डिग्री भी आंसर में ऑप्शन में हो सकता है आपके पास में क्वेश्चन में, या फिर कोइंसाइड वर्ड यूज हो जाता है ना, या कोइंसाइड हो जाता है, तो आपने ध्यान रखना 180 डिग्री की बात हो रही है बेटा। ओके, तो 24 आवर के अंदर 22 टाइम्स। ओके, यहाँ पे देखिए अपना 5 to 7 के बीच में 2 बार और 7 से 8 के बीच में 1 बार, दैट मीन्स कि 3 कितना हो गया? 25 टाइम्स। तो जिनका भी 25 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, आई होप सभी को समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट आते हैं दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।
मैंने ट्राई किया, काफी स्लो करवाऊ मैं इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, अगर समझ आया तो अभी सभी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ जी मैडम समझ आ गया। ओके, तो सभी ने ट्रायल क्लासेस, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है ट्रायल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर बेटा कंसेप्चुअल क्लासेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक एक बेसिक लेवल से आप लोगों को हर एक टॉपिक को कवर किया गया। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा आपके प्रैक्टिस सेशंस हैं, तो आप इसको एक बार ज्वाइन करिए, आपको सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। 20 टेस्ट हैं जिसके अंदर आपके क्वांट, लॉजिकल, रीजनिंग, इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट प्लस कंप्लीट मॉक अवेलेबल है। ओके, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन से पर्टिकुलर लिंक पे जाके उस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लाइक आपने 7 डेज का ट्रायल यूज करना है, इन दैट केस गो फॉर दिस लिंक। टेस्ट सीरीज पे जाना है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस लिंक। डन, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, क्लासेज ओवर।